गुरु नानक जी की पवित्र झील गाइस, इसका बहुत ज्यादा महत्व है यहाँ पे। इसमें ये एक मूल स्थान है कमरू नाग जी का, जहाँ देखिए भी कोहे जी पहुंचे। ये जो जहाँ पर ये गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मैं विकी आचार्य आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं विकी आचार्य ब्लॉग्स। दोस्तों आज की सुबह हुई है जी हमारी जंजैहली में, और मैं थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहता था आपको जंजैहली का। ये देखिए हमारी जंजैहली मंडी में, और वहाँ पर देखिए कुछ है दोस्तों। मैं ये पता नहीं मंदिर है या क्या है, कोठी सी दिख रही है एक बहुत शानदार ज़बरदस्त कोठी है। बाकी ये रहा जी जंजैहली, छोटा सा शहर है बढ़िया सा, और स्टे ज़्यादातर यहीं पर होते हैं जब कोई शिकारी माता जाता है या कोई यही टूर पे निकलते हैं घूमने। और साथ में खड्ड चली हुई है, यानी छोटी सी नदी है, कौन सी नदी है ये भी नहीं पता। तो अभी नहा धो के निकले हम लोग, तैयारी कर रहे हैं आज जाने की कमरू नाग जाने की तैयारी है हमारी। तो हो सकता है, हो सके तो अभी 10-15 मिनट में हम निकल जाएंगे। जल्दी से जल्दी निकलेंगे तो अच्छा रहेगा, ट्रैफिक कम मिलता है हम लोगों को फिर। और हम जाने वाले हैं यहाँ से थुनाग होकर चैर चौक होकर रोहांडा से पैदल यात्रा होगी थोड़ी सी, मुझे लग जैसा जैसा होगा दिखाता जाऊँगा आपको। फिलहाल चलते हैं नीचे कमरे में और डीपी को करते हैं जल्दी तैयार, वो थोड़ा सूख सूखा है। तो गाइस बहुत ही खूबसूरत जगह रुके हैं हम लोग सलाहर में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ा थक गए हैं बैठ बैठ के। आज बाइक चलाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, मतलब पीछे बैठने में, चलाने में तो बड़ा मज़ा आता है ना, लेकिन तो आपने बस में तो नहीं आया, मैं आ सकता हूँ बस में, लेकिन उसमें भी तो बैठना ही पड़ना। मज़ा आएगा आपको बनाने का, आप देखिए मैं सफ़र कर रहा हूँ बस का। सफ़र सफ़र लेकिन ये बंद हुआ है भाई बनाने के, वैसे हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप में, बेस कैंप माना जाता है, यहाँ से ट्रैक करना पड़ता है हम लोगों को कमरू नाग के लिए। और यहाँ दुकानें वगैरह खूब सारी है, आइसक्रीम भी है, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर, पानी की बोतल मिलेगी। और ये रहा जी मेन गेट, अब यहाँ से असली ट्रैक शुरू होता है हमारा, देखते हैं कितनी देर का ट्रैक है हमारा। हाँ जी दोस्तों, हमारा ट्रैक हो चुका है शुरू, और जो ट्रैकिंग रूट है हमारा, जो पाथ है, बहुत ही ज़बरदस्त, क्या बताएं, मज़ेदार ट्रैक है। बिल्कुल चढ़ाई नहीं है अभी फ़िलहाल, सीधा सीधा ही है, और चलने का बड़ा मज़ा आ रहा है। हमारे डीपी जी ने बाल काटे हैं सुबह सुबह, पता नहीं किसको दे दिए। कमरू नाग आगे देखोगे, बहुत सारे श्रद्धालुगण दर्शन करके वापिस आ रहे हैं। अभी भाई किस जगह की याद आ रही है आपको इस जगह को देख के? अरे क्या बताएं, अभी सबसे अनोखी, अभी हम पीछे गए थे जी बिजली महादेव से, कहाँ के लिए? नगर के लिए, पैदल। हाँ नगर में पैदल, वहाँ भी कोई नगर तक नहीं गए पैदल ना, थोड़ा देखने गए थे घूमने वहाँ पे, उस रोड पे थोड़ा थोड़ा कुछ करके, ऐसी ही सीनरिक ब्यूटी थी। और लेकिन वो खाली था रोड, वो रोड है थोड़ा खुला ना, ये ना रास्ता, वो रोड हम वो नहीं बोल रहे, हम जैसे नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहे हैं। हाँ तो वहाँ पर भी वैसी ब्यूटी है ना। अच्छा हाँ जी,
वाह भाई, ये तो जैसे सुंदरबन में दंडक वन में पहुंच गए। वो कहाँ? वो दंडक वन रामायण काल में, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण के दो भाइयों को मारा था। अच्छा, क्या नाम था उनका? पता नहीं उनका नाम। तो गाइस अभी करवाते हैं आपको दर्शन कमरूनाग जी के। पहुंच गए हम लोग और यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिल रहा है। टेंट वगैरह लगे हुए, यहाँ शायद खाने पीने की व्यवस्था है। बाकी चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। सरोवर का बहू, सरोवर कमरूनाग सरोवर, ये क्या हुआ? सूखे ओप्स मूवमेंट कर। सबसे पहले सूचना सभी, झील के आसपास कोई भी आदमी भोजन ग्रहण ना करे। देखा जाए झील में पक्का हुआ भोजन फूट हल्के छिल जाए, बोलते काफ़ी ज़्यादा ना फेंके। झील को साफ सुखा, साफ मतलब है साफ रखें, पवित्र रखें झील को, क्योंकि ये काफ़ी पवित्र झील है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हमारा दूसरा पड़ाव जो था हमारी यात्रा का पार कर लिया, वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। पार नहीं किया, अभी जाएंगे हम दर्शन करेंगे। और वहाँ पर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है मंदिर के पास। बस पहुँचेंगे हम वहाँ पर, काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है मंदिर के पास, बस पहुँचेंगे हम वहाँ पर। और ये रही कमरूनाग जी की पवित्र झील गाइस, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है यहाँ पे। इसमें यहाँ आने वाले श्रद्धालु कुछ ना कुछ, मतलब मैंने देखे यहाँ पर पैसे फेंकते हुए, बहुत ज़्यादा पैसे फेंके हुए हैं, ऊपर तैर रहे हैं। देखिए 100 के नोट हैं, 10 के नोट हैं, बहुत सारे नोट हैं यहाँ पे, तैर रहे हैं। उस साइड भी बहुत ज़्यादा नोट है, देखिए पैसे फेंक रहे हैं। और इस झील के अंदर जाना मना है, यहाँ सिर्फ जो देवता के गूर होते हैं वो जाते हैं शाही स्नान के लिए, मुझे लगता है ऐसा ही है कुछ। बाकी इस तरफ भी काफ़ी नोट फेंके गए हैं। और ये रहा जी हमारा कमरूनाग जी का प्राचीन मंदिर, काफ़ी बढ़िया मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। और कमरूनाग जी की यहाँ पर एक पत्थर की मूर्त स्थापित की गई है बीचों बीच। मंदिर भी काफ़ी खुला खुला सा है, हर तरफ से आप इसके दर्शन कर सकते हैं। एक वाइड एंगल में आपको एक शॉट दिखाते हैं बढ़िया सा, पूरे के पूरे स्थान का। कमरूनाग मंदिर, झील और आसपास लगी दुकानें, काफ़ी सारी दुकानें लगी हैं यहाँ पर प्रसाद की। बाकी गिफ्ट वगैरह भी ले सकते हैं आप लोग यहाँ पे। बाकी मेन अट्रैक्शन वहीं पर है, भगवान कमरूनाग जी। मैंने सोचा नहीं था इतनी भीड़ होगी यहाँ पे, काफ़ी भीड़ है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है गर्मी। पर वो लंगर लगा है वहाँ, देखते हैं पानी पूछते हैं वहाँ पे। जल ही तो जीवन है। तो गाइस कमरूनाग, कमरूनाग जी का जहाँ मंदिर है वहाँ से हम थोड़ा सा और आगे आ गए हैं ट्रैक करके। और यहाँ पर है जी कमरूनाग जी का मूल स्थान, यहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं और हम पहुँच गए हैं। ये देखिए कुछ शिला सी नज़र आ रही है वहाँ पर, वहाँ जाके देखेंगे हम क्या क्या है। बाकी कुछ एक भक्तजन पहुँच चुके हैं यहाँ पे, चलिए आगे चलते हैं। डीपी जी पहुँच गए आगे। तो बिकू भाई जी निकल पड़े हैं, देखिए ये भी एक मूल स्थान है कमरूनाग जी का, जहाँ देखिए बिकू भाई जी पहुँचे। ये जो जहाँ पर ये नमन कर रहे हैं, इन पुजारियों से पूछने के लिए जा रहे हैं। कचला
तो ये रहे जी यहाँ पर देवता कमिश्नु जी, जो कि पहरेदार हैं कमरू नाग जी के, और ये शिला है यहाँ पर जिनको पूजा जाता है। यहाँ पर निशानियाँ भी कई तरह की लोगों ने चढ़ा रखी है, त्रिशूल हैं, कुछ लोहे के बहुत कुछ बर्तन हैं। बाकी ये पंडित जी हैं यहाँ पर बैठे हुए जो जानकारी दे रहे हैं भक्तों को। जय हो, काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों, चलिए चलते हैं। तो गाइस दोबारा से हम पहुँच गए हैं वापस कमरू नाग झील के पास, और अब दोबारा से लास्ट बार एक बार दर्शन करेंगे हम लोग, और उसके बाद निकलते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। हो सकता है चेहर चौक पहुँचे, मंडी पहुँचे, या घर पहुँचे, कहीं भी जा सकते हैं हम। चलो जी, वो रही झील। वाओ क्या बात है। हाँ जी, ये वो होगी, वो डिपो वाली ना, डिपो वाली। अरे यहाँ से कहाँ से लेना ठंडा। ये लो जी दोस्तों, पार्किंग के पास पहुंच गए हैं हम लोग। यहाँ पर है हमारी बाइक लगी हुई कहीं, सारे लंगर लगे हुए हैं यहाँ पे, फ्री सेवा हो रही है दोस्तों। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पंडो डैम के पास, पंडो कस्बा, पंडो जो सिटी है उसको क्रॉस करके थोड़ा आगे आ गए हम लोग। और ये देखिए दोस्तों, हाँ जी, गर्मी का इजहार भी है। हाँ गर्मी तो है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पर। और ये रहा हमारे सामने पंडो डैम, शानदार नज़ारा डैम का, आँखें नहीं खुल रही है दोस्तों बिना वाइजर के। तो ये पुराना वाला रोड ही है ना। वो नहीं आते, चल आते, अरे नहीं आते भाई, चल तुम्हें से जाना बना मार रहा है।